मंदिर से चप्पल चुराता है, समाज के कोढ़ साले लोग पूजा करने जाते हैं वहां पे, भगवान माफ नहीं करेगा तुझे, बता रहा हूँ। भाई साहब मैं आज के बाद मंदिर ही नहीं जाऊंगा। अबे रोज जइयो, पर इस नियत से नहीं। हट। हंस हंस, आप जान मुर्गा बल, ईमानदारी से 10 मिनट बाद उठियो और निकल जइयो। देखो दरोगा जी, सब बता दूंगा, 2 शर्त हैं। पहली, बयान के बाद शराब पिलाओगे, और दूसरी, सरकारी गाड़ी में ट्रेवल नहीं कराओगे। जी गया तो लाला जी के यहाँ डकैती डालने ही था, लूट शांति से हो भी गई थी जी। इधर मैं बाहर को निकल रहा था, उधर मिसेज लाला गुसल खाने से बाहर आ गई। और जी मामला लूट से जरूरत पे आ गया, आपकी भाभी 6 महीने पहले निकल ली थी, और लल्ला जी भी पिछले 3 हफ्ते से विदेश यात्रा पे थे, बिजनेस ट्रिप। भूखी तो मिसे लल्ला भी होगी, ऐसा मैंने सोचा, फिर पहुंच दिया जी। और हमेशा की तरह ना मुझसे रहा ना गया जी, मैं चढ़ बैठा हूं गलती से, बलात्कार हो गया जी। करते हुए भी समझा रहा था जी, कोऑपरेट कर इंजॉय ले, पर ना छड़ो बचाओ, काओ काओ कच कच, मुझसे रहा नहीं गया जी, छुरी निकाली हो गर्दन फट। ढाले तेरी भी नजर थी क्या लाल लाइन पे, सॉरी। चाय मंगा ले, चाय। और बुढ़िया? उम्र 78 साल, नाम फाल्गुनी देवी। देखो तो दांत और गहने दो ही चीज नजर आए, महल ने बोला हाय, दर्द ना हो जाता है अम्मा इतने गहने शरीर पे लाद के, और अम्मा ने पेटीकोट में हाथ घेरा, पिस्तौल निकाल ली। और मेरी नाजी हंसी छूट गई। मैंने बोला अम्मा कुछ खाने को दे दे, तेरे पोते के उम्रों का होगा, और अम्मा ने पटाखा फोड़ दिया। मैं दुबका सोफे के पीछे, सोफे से मेज, मेज से पलंग, पलंग से अलमारी, और अम्मा नॉन स्टॉप धाए धाए धाए। मैंने जी आत्मरक्षा में फूलदान चला दी, और लगते ही अम्मा जी ढेर। ओ मैं भाव विभोर जी, बह गया इमोशन में, आवाज सुन के ध्यान हटा।
तो देखा लट लिए तीन खड़े हैं मोहल्ले के फौजी, गोलियों की आवाज सुन के आ गए होंगे। मैंने अम्मा की पिस्तौल ली और धाए धाए क्या ला लाल लाइन। और अम्मा जी ने इतना थका दिया था कि और फिजिकल नहीं कर सकता था जी। देखो दरोगा जी, ये लाल लाइन का केस तो बना दो, रेप और मर्डर। पर अम्मा ओ मोहल्ले के फौजी, उनको आत्मरक्षा में मारा, तो ये केस उनके घर वालों पे बना दो। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं जी। हाँ दरोगा जी, प्राइवेट गाड़ी तो मिली नहीं, और अपनी गाड़ी सुबह 5:30 बजे तक ही आएगी। थाने में इतला कर दे कि राठी का बयान ले लिया है, गाड़ी आते ही यहां से निकल लेंगे। चलो भाई राठी, साइन कर दे बयान पे। खोल। बोतल? जब गाड़ी नहीं आई तो बोतल कहां से आएगी? पहले बोतल नहीं और सरकारी गाड़ी में सवारी। नो, हरगिज नहीं। धोखा, डबल धोखा। मंदिर से चप्पल चुराता है, समाज के कोढ़ साले। लोग पूजा करने जाते हैं वहां पे, भगवान माफ नहीं करेगा तुझे, बता रहा हूं। भाई साहब, मैं आज के बाद मंदिर ही नहीं जाऊंगा। अबे रोज जइयो, पर इस नियत से नहीं। हट। हस हस, आप जान मुर्गा बल, ईमानदारी से 10 मिनट बाद उठियो और निकल जइयो। विदेशी माल तरुग्गा जी, तुम भी बेईमान निकले। आंटी जी, ये क्या है? पानी का जहाज, एक गाड़ी लूटी थी, खटारा निकली, सुसरी रास्ते में बंद पड़ गई, तो यो छीननी पड़ी। अब टाइम मत ना वेस्ट करो, ठेका बंद हो जाएगा, डंडे पे आ जाओ। जय बात। अरे राठी जी, बस पूछो मत ना। यह भाटी जी, स्टेमिना बड़ा तगड़ा है तुम्हारा, इस उम्र में भी खींच रहे हो बिना आप। राठी जी, रात को दबा के दारू और दिन में तू शहद वाला, हमारे जैसे हो जाओगे। दूध के तो हम भी शौकीन है, पर गाय भैंस नहीं, हमें तो डायरेक्ट चाहिए। राठी जी, 34 के हो गए, बातें करते हो चौदह वाले। ठीक 14 घंटे चौके में बिता के आया हूँ। अच्छा, मतलब आप तो भगवान के भैया हो गए। कैसे? बस थोड़ा ही फर्क है, उन्होंने 14 बरस वनवास में काटे और आपने 14 घंटे चौकी में। एक और फर्क है, उनकी वापसी पे पटाखे फूटे थे, दिवाली मनी थी, पर अपनी वापसी सुननी। नॉट गुड।
लो मन की दिवाली भाई के होते दिल छोटा ना किया करो। आज आ गए हो, बस लास्ट समझो लवर बदल रही हूँ मैं। डोलरो वाले लाइन में खड़े हैं, मुझको नहीं रहना अब तुम कंगलों के साथ। अच्छा, तू कहे तो जिस बैंक में डॉलर छपते हैं वो बैंक ही लूट के ला दूं तेरे लिए। अमेरिका में छपते हैं, जा लूट ला। भाटी जी, बुढ़िया लूटने आए हैं, लूटने की बात ना करो। अच्छा, लूटने को खड़े हो कतार में, एक तोहफा भी ना ला सके मोहब्बत यार में। तो इस शहर में पूरे दिन में 6 घंटे के लिए आती है बिजली, उसमें भी अपने पौधे, अपनी टंकी, अपनी नर्सरी, सब कुछ इनका। तो इनके बिजनेस बंद करके गुरुद्वारे में लंगर खाना शुरू कर दे। हाँ, यहाँ देखो, इधर इनके कैक्टस भी पानी में नहा रहे, उधर मेरे गुलाब सूख के मर रहे। अरे आज मोती भोकरा लगता, मैडम आ गई फिर से। बाबू जी, तुम्हारी नर्सरी की तो पुत्री पाठशाला बना दी मैडम ने। अच्छा तू मोती को खोल, मैं धोती बांध के आता हूँ अभी, चल। आज तुम्हारी नर्सरी डिस्ट्रॉय करके छोड़ूंगी मैं। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से डरपोक भी हैं, खुद तो बात करने की हिम्मत है नहीं, कुत्ता पीछे छोड़ देते हैं। हिम्मत और ताकत तो मिस्टर को बाहर निकाल के लाओ, तब पता चलेगी किसमें कितनी है। और लेडीज के मुंह ना लगता मैं, तुम्हारे लिए तो मेरा मोती काफी है। और 119 रुपए रोज तुम्हारे चक्कर में खर्च हो रहे हैं। 119 रुपए मेरे चक्कर में कैसे खर्च हो रहे हैं आपके? अरे तो मीट ना खा जाता दिन भर में इतने का। ओ भाई साहब, इतनी चिंता है ना आपको 119 रुपए बचाने की, तो हमारा पानी चोरी करना बंद कर दो आप। सारा पानी तुम्हें दे दूं और अपने पौधे मार लूं, वाह जी वाह। जी नहीं, सारा नहीं, आधा। यही तय हुआ था ना तरुण के साथ, आधा टाइम पानी आपके यहाँ रहेगा, आधा टाइम हमारे यहाँ रहेगा, फिर क्यों करते आप चोरी? अरे जब तुम्हें सारी तरुण की मनवानी है, आज बुला लो ना उसको, आज तरुण के साथ ही फैसला हो जाएगा। हाँ हाँ, बुला रही हूँ मैं, बुला रही हूँ। तरुण, you heard him right? Now just go and set him right now. Okay बाबा, just calm down. Calm down? कमाल करते तुम तरुण, this is not the time to calm down. Will you ever stand up for what is right? I'm here now, no? मैं बात ही करने आया हूँ। This is not the time for बातें तरुण, this is the time for action. Okay now, will you just go and do something? Go and hit him. Hit him? सृष्टि, अगर उसने आधे घंटे तक पानी नहीं छोड़ा तो जाके उसे मारूं? छोटी छोटी बातें हैं यार, शांति से भी सुलझाई जा सकती हैं। कब तक? ये गांधी जी का टाइम नहीं है, यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। टाइम्स, यू रियली कंफ्यूज मी। एक काम क्यों नहीं करते, लड़ाई की जड़ी मिटा देते है ना? ये लो, ये पकड़ो, ये भी लो, ये भी लो, ये सब इसे ही दे दो, यही उगालेगा, यही बेच देगा, ठीक है? और तुम रहो शांत, ऑलराइट? थैंक्स। लव भाई साहब। थैंक यू। ना जी भाई साहब, सॉरी तो मैं हूँ भाई साहब, मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ गया आपको। कल से भाई साहब टाइम से पहले पानी खुलवा दूंगा, किसी भी बात की बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना। थैंक यू। मेंशन। भैया, वो दिल्ली वाले शर्मा जी के फंक्शन में जो डेकोरेशन की थी ना, उसकी पेमेंट आ गई है। Okay. और आपके लव क्लास में नए चेहरे आए हैं, कंफ्यूजन से है कुछ। मैडम कहाँ? टॉयलेट में। भैया एक लड़की है। क्लास में साथ है या ट्यूशन में? दोनों। तो फिर दिक्कत क्या है? सिंपल सा केस है, वाइट, येलो, पिंक या रेड। आप रेड दिलवा रहे हो, वो तो बात तक नहीं करती। पिंक दे दे बेटा, पिंक लड़कियों को बहुत पसंद है, 2-4 दिन में बात रेड तक पहुंच ही जाएगी। ये मेरी लव लाइफ है, कोई रेनबो नहीं। नहीं नहीं, इनके लिए तो रेनबो ही है। क्लास में एक लड़की से आर्गुमेंट हो गया था, मैं नॉर्मल करना चाहता था, वाइट रोज़ लेने आया था, ये बोले वाइट के साथ पिंक भी ले जा, अगर लड़की वाइट ले ले तो पिंक भी दे देना, क्या पता मामला रेड तक पहुंच जाए। फिर क्या, फेसबुक पे आज तक सॉरी बोलता रहता हूँ उसे, ऑन फेस तो बात ही नहीं करती। जिस लव गुरु के सजेशंस पे तुम लोग चल रहे हो ना, वो मुझे प्रपोज करने के लिए ब्लैक रोज लेके आया था, तो तुम लोग सोच सकते हो तुम्हारा क्या होगा। You know she likes to joke. Yes, भैया, now we know everything. Bye. Bye. गुलाब काला था तो क्या हुआ?
काम तो लाल का किया. You accepted it. It worked. So it's not about the color, but the intention. नियत. 3 बज गए. There's always time for this. आज ना गुस्सा. पापा को पता आज मीनू का आइसक्रीम डे है, तो पहले आइसक्रीम फिर कार. चलो एक नहीं दो खा लेना. इसे क्या हुआ? मिसेस गर्ग, इज समथिंग द मैटर? शी वांटेड टू डू पार्ट इन द प्ले बट व्हाट शी कुडंट डिलीवर हर लाइंस प्रॉपर्ली. पापा मैं बोल रही थी आई वाज ट्राइंग, तो मैं एक बात में बार बार अटक गई थी और मैम ने मुझे बोलने ही दिया और रोक दिया और मेरे प्ले में भी नहीं हुआ, इसलिए मैं आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगी और स्कूल भी नहीं जाऊंगी. अरे 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 ऐसे नहीं बोलते बेटा. इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा. अगली बार क्यों यार, इसी बार होगा. क्यों बेटा? मैम क्या आप मेरे को एक दिन दे सकती हैं? मैं उनको लाइंस प्रिपेयर कराना चाहता हूँ. ओके, टुमारो इज द लास्ट डे, द एनुअल फंक्शन इज जस्ट अराउंड. थैंक्स अ लॉट. मैं घर चले लाइंस प्रैक्टिस करते हैं. पापा पहले आइसक्रीम और एक नहीं दो दो. This is what confuses me about you. सारा दिन शांति शांति चिल्लाते हो. If the authorities heard you ना, तो वर्ल्ड पीस का कोई इंटरनेशनल प्राइज मिल जाए तुम्हें. लिटिल होते नो के पीस लवर बेड पे आते आते कितना शांत हो जाता है. तभी तो सारा दिन पीस की बातें करता हूँ. सो एज टू यूज द एनर्जीज एट द राइट टाइम. अच्छा. नहीं अगर पसंद नहीं है तो यहाँ भी पीस एडवोकेट करना शुरू कर देता हूँ. आई गेस I prefer it this way. Aaj bhi, you make me feel wanted. As if it's our first night together. Lagta hi nahi ki shaadi ko 6 saal ho gaye. 6 saal. Madam, mujhe to abhi tak yakeen nahi aata. हमारी शादी हो गई है. क्यों? कॉलेज में यू वर ऑलवेज इन लव विद विक्रम. मुझे तो कभी अपना चांस नजर ही नहीं आता था. फिर उस दिन डिनर पे जब तुमने मेरे वन साइडेड लव को एक्सेप्ट किया, आई वॉज हैप्पीली शॉक्ड. I'm still living in that shock. You know, shock तो विक्रम ने किया था मुझे जब पता चला कि कोई और भी है उसकी जिंदगी में. I gave 6 years to that relationship and you were so not worth it. ये कुछ भी सह सकती हूँ तेरे, पर धोखा नहीं.
भैया दुकान के सारे गुलाब ले लिए मैडम ने। अच्छा ये पैक कर देता हूं। हाय मैम। हेलो। आर देयर फॉर समबडी स्पेशल? या वी आर हैविंग अ फंक्शन एट अ स्कूल फॉर अंडरप्रिविलेज्ड एंड स्पेशल किड्स, वी वांट टू वेलकम ईच वन विद अ रोज। दैट्स नाइस। वट्टी जी मामला दिल का है, दिमाग गरम मत करना। राठी जी आज तो बस जेब गरम है, बाकी सब ठंडा। डार्लिंग के लिए फ्लावर खरीदने आए हैं, हल्के में ले रहे हो मामले को। ओ भाई जी सन्नो, हमारी महबूबा, हम दोनों की रूठ गई है तो गुलाब दे दो, दो तीन चार टोकरी। राठी जी दिल के मामले को टोकरियों में मत तोल लो। भाई साहब ये सारे समेट दो। जी सर, गुलाब तो सारे मैडम ने ले लिए। ओ भाई ओ, जब तीन बड़े आदमी बात कर रहे हो बीच में नहीं, समझा? हाँ जी भाई साहब, तो करवा दो फिर। जी वो एक्चुअली बात ये है कि मैडम ने सारे गुलाब ले लिए, आप कहें तो मैं कोई और फूल करवा देता हूँ आपके लिए। भाई साहब आपको देख के ये उम्मीद ना थी, रंग भेद कर रहे हो। जी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल उन्होंने पहले खरीद लिए और मेरे पास गुलाब खत्म हो गए। देख भाई बात गुलाब की नहीं मोहब्बत की है, जो फूल ना पहुंचा तो हमारी महबूबा भाग जाएगी और हम रह जाएंगे अकेले बिना प्यार के। तो भाई साहब गुलाब दे दो, वरना इस ब्यूटीफुल मैडम को ले जाना पड़ेगा, सन्नो की जगह इससे काम चलाना पड़ेगा। सर बोला था गुलाब नहीं। तेरी तो बीच में बिल्कुल नहीं। जेंटलमैन नॉट इंटरेस्टेड। तो गार्डनर वाले भैया मैडम से पूछो फूल देंगी या फूल में देंगी। देखिए मैं आपको कह चुका हूँ ना, मेरे पास कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए, आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं। अगर हमारे लिए कुछ नहीं बचा तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, जो बचेगा वो हमारे साथ जाएगा। बेटा हम जो चाहे वो कर सकते हैं। राठी जी मैडम की टेस्टिंग चालू करो। बैटरी ऑन करो मैडम। शांति से देखा तो फुल एंटरटेनमेंट, और अगर हिले डुले ना तो बिखरे तेल में पटाखा मोड़ दूंगा। ओ भाटी जी अरे दर्शकों को छोड़ दो, यो विदेशी खिलाड़ी हिंसा समझता है सहयोगी। मैं देता हूँ कवरिंग भार सान फिरंगन। Thank you.
In a bizarre incident, dreaded Western UP gangster Satinder Rathi and Satinder Bhati were killed at the hands of a common man. औरत की इज्जत पे हाथ डालना महंगा पड़ा कुख्यात अपराधियों को. Satinder Bhati एवं Satinder Rathi एक फूल बेचने वाले के हाथों ढेर. औरत की चिंकार और आग की लपटों ने जगाया एक आम आदमी का जमीर. 41 मर्डर, 19 किडनैप, 7 रेप और 5 राज्यों की पुलिस का पीछा. तो कैसी रही राठी और भाटी को मार गिराने वाले तरुण जी से आपकी मुलाकात. हर इंसान के अंदर एक योद्धा छिपा होता है और तरुण जी ने उस योद्धा का सही समय पे सही इस्तेमाल करके ना केवल हमारी विदेशी मेहमान की इज्जत बचाई बल्कि हमारे क्षेत्र और देश का नाम गौरवान्वित किया. I would like to thank Tarun for saving my life and my honor. भैया की तो आदत ही ऐसी है, क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान सबकी प्रॉब्लम ही सोल्व करते रहते हैं. मैं सत्यप्रकाश अग्रवाल यहाँ का विधायक माननीय राष्ट्रपति जी से दरख्वास्त करता हूँ कि तरुण जी को हाईएस्ट सिविलियन ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाए. आइए अब आपको मिलवाते हैं तरुण के पड़ोसी चौधरी राजेंद्र सिंह से. चौधरी साहब आप रो क्यों रहे हैं? नरक मिलेगा जी मुझे, ऐसे देवता आदमी को सताया, कभी बिजली कटी कभी पानी रोक दिया, बेचारे 5 बार समझौता करके गए, मैंने हर बार तोड़ दिया, और तो और भाभी जी के ऊपर मोती भी छोड़ दिया. जी मोती कौन? मेरा कुत्ता है जी. अब बारी आ चुकी है उस शख्स से मिलने की जिसने दिखाया बहादुरी का जौहर और बन गया एक ही झटके में आम से खास. तो तरुण जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये बहादुरी भरा काम करने के बाद? देखिए जी, इसमें बहादुरी जैसा कुछ भी नहीं था, मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वही करता. नो, दिस इज जस्ट हिज हैबिट, ये कभी किसी चीज का क्रेडिट ही नहीं लेना चाहते हैं. वैसे तो तरुण बहुत ही शांत नेचर के हैं एंड यूजुअली आई गेट एंग्री विद हिम फॉर दैट, बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू जस्ट टेल हिम एंड द वर्ल्ड दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू. आइए अब मिलाते हैं आपको तरुण और सृष्टि की पुत्री मीनल से. आई थिंक दैट्स एनफ. विपरीत परिस्थितियों में असाधारण क्षमता का प्रयोग करने वाले तरुण और उसके परिवार से हमारी मुलाकात. कैमरामैन राजन जोशी के साथ मैं शिरीष. कैमरा चालू रखियो जी, चालू रखियो जी. माइक ये है जी मोती. सबके सामने भाभी जी से माफी मांगने आया है, फिर कभी ना सताएगा भाभी जी को. हाँ, और अगली ट्रेन से गाँव जा रहा है जी, फिर कभी उनको तंग नहीं करेगा, प्रोमिस किया है. खाओ पियो, एंजॉय द पार्टी. अरे लो भाई साहब, खा ही नहीं रहे आप तो. शर्मा जी नमस्ते. कैसे हैं सब उससे? अरे तरुण जी एक बात बताओ, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगा आपको? अरे उस टाइम कहाँ सोच पाता है आदमी डर के बारे में. उस टाइम या तो कर लो या डर लो. क्यों तरुण जी? जी दुकान कैसी चल रही है? भाई साहब क्या आ रहा था दिमाग में? जी क्या सोचने का तो टाइम ही. एग्जैक्टली इतना सोचने का टाइम ही कहाँ था, ये तो तरुण ही थे जिन्होंने कर ही दिया. एंजॉय करो, मैं भी आया. ऐसी बात नहीं है, इन सब बातों में तो हमारे गोलू के पापा भी बहुत फास्ट हैं. जिसका टाइम पड़ गया वही बहादुर. टाइम तो गोलू के पापा का भी पड़ा था जब चोरी हुई थी तुम्हारे घर पे, रिपोर्ट लिखाते हुए भी हाथ कांप रहे थे तुम्हारे बहादुर गोलू के पापा के. पकौड़ों में नमक ज्यादा है, इसकी तो आदत ही है हर चीज में कमी निकालने की. भाई साहब एक मिनट जरा कोने में को आइयो, मिलवाना है जी किसी से. ले भाई, ले भाई, लो जी भाई साहब. चौधरी साहब मैं नहीं लेता. अरे ले लो भाई साहब, थक गए होगे, ले लो. चौधरी साहब मुझे इसकी आदत नहीं है. आदत तो आदमी मारने की भी नहीं थी. काया तुम्हारी दी है ना, पी लो, नींद आने में सहूलियत रहेगी. भाई साहब अपने ही गांव का लड़का है गुलाब सिंह, अभी परसों ही अपने वाले थाने का चार्ज संभाला है. खबर सुनते ही इसका फोन आया, बताने लगा भाई आपकी बड़ी तारीफ है इनके महकमे में. मैंने कहा भाई दावत में आ जा, मिलवा देता हूँ भाई साहब से. तरुण भाई साहब आपसे मिलके बहुत सारी खुशी और थोड़ा सा दुख. खुशी क्योंकि इतना बहादुर आदमी हमारे इलाके में है, और दुख इतना बहादुर आदमी हमारे इलाके में. अरे दो में ही चढ़ गई गुलाब, पहले तो तू अड्डा खींच जाया करे था. इतना बहादुर आदमी हमारे इलाके में रहेगा, तुम पुलिस वाले तो तनख्वाह पर ही जिंदगी काटेंगे ना. नामी बदमाशों पे लगी इनामी रकम तो भाई साहब को ही मिलेगी, और हम पुलिस वाले टन टन गोपाल. एक काम करियो गुलाब, इसके बाद एक पैग और ले ले, सेट हो जाएगा.
बातें तो होती रहेंगी, चौधरी साहब ने इतना अच्छा खाना बनवाया वो तो खा लो। भाभी जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं यहाँ का नया इंस्पेक्टर और भाई साहब का बहन। हीरो है जी आपके पति। जी वो तो है। थैंक्स। चले तरुण। श्योर। भाई साहब कल थाने आ जाना। राठी और भाटी पे 2.5-2.5 लाख का इनाम था जी, वो आपको देना है, थोड़ी सी सरकारी खाना पूर्ति। आपको ऐतराज हो तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, चाय पिला देना और इनाम ले लेना। जी यू मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आईने से मुलाकात हो गई हो तो। मुलाकात आईने से नहीं, अपने आप से कर रहा था। हीरो बन के मन नहीं मारा, जो शायर बन के मशहूर होना चाहते हो। मशहूर नहीं, गुमनाम जैसा पहले था। Why? कैसे मारा? मन में क्या चल रहा था? अब कैसा लग रहा है? तब कैसा लग रहा था? कैसे दिखा दी इतनी बहादुरी? डर तो नहीं लगा? सृष्टि थक गया हूं मैं इन सारे सवालों का जवाब देते देते यार। कोई खुशी नहीं मिलती है मुझे बार बार उस इंसिडेंट के बारे में बात करके। मैं एक सिचुएशन में फंस गया था तो मुझे करना पड़ा। मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता। सृष्टि आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ दिस। To be honest with you, a lot lonely as well. Srishti, I just want my normal life back. Don't worry, just don't worry. कल से यही होगा। Just don't be so upset, please. लीजिए जी। Lovely. ये लो जी भाभी जी। थैंक्स। आज डलवा देना, 3 दिन में कैसी कैस, और फिर गुलाबी गुलाब। नहीं मतलब पैसों से नए गुलाब खरीदोगे, नर्सरी का बिजनेस बढ़ाओगे। जी। अब आपका बिजनेस बढ़वा रहा हूं तो कुछ हमें भी। जितना भी आप ठीक समझो। दो गिलास गंजी और स्नैक्स में कुछ मिठाई, बाकी आप जो लेना चाहो। अब इतनी गर्मी में चाय तो नहीं पी पाऊंगा भाभी जी। जी
आप भी स्नैक्स में कुछ मीठा जी I'll just be back. तो भाई साहब मेरठ के हो आप जी वही तो मैं कहूंगा पहाड़ी तो नहीं लगते आप तो यहां कितने साल से यही कोई 8-9 साल तो 9 साल से फूली बेच रहे हो लगते तो पढ़े लिखे से हो पढ़ा लिखा हूं इसीलिए 9 साल से फूली बेच रहा हूं ना जी आप तो गलत ले गए दरअसल ये जो राठी और भाटी थे ना काफी बड़े वाले कलाकार थे अब क्या पता मंडली में से किसी का दिमाग घूम जाए बतला बतला तो मैंने सोचा सेल्फ डिफेंस कोटे में डीएम के यहां से आपका लाइसेंस बनवा दूं इसीलिए थोड़ा अगला पिछला जानना चाह रहा था उसकी जरूरत नहीं मैं हथियार के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा हाँ जी हम जो जी रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है खैर आप चिंता ना करो जी अच्छे नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है लो जी सिकंजी आ गई मजा आ गया भाभी जी तो भाई साहब अब निकलता हूं पान जी लगता है भाई साहब की जैकेट गिर गई छत से दिस इज योर्स मेरी तो नहीं है आई थॉट इट वाज मच बट ये आई कैसे पहाड़ी इलाका भाभी जी कोई जानवर वानवर छोड़ गया होगा आ गई है तो सफाई में इस्तेमाल कर लेना अच्छा जी तेरे पापा तो डांटते हैं क्या अरे सबको डांटते हैं घर में ऑफिस में रोड में वापस घर आके मम्मी को भी रॉन्ग रॉन्ग पापा मम्मी को नहीं डांटते मम्मी पापा को डांटते हैं तुम्हें कैसे पता क्योंकि मेरे घर में रोज ऐसे ही होता है ना पापा मम्मी आपको कितना डांटती है मम्मी डांटने के बाद आपके कमरे में सोने नहीं देती है आपको ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है ना पापा मेरे साथ भी वैसा ही है बेटा पापा का वेट करियो पता नहीं कहाँ चले गए पापा फोन नहीं उठा अरे तरुण कहाँ थे तुम अरे बस वैसे ही बाहर गया था बस ऐसे ही मतलब ओ गॉड इतनी देर भाई साहब 6 फुट लंबा सांप यहाँ पीछे था गार्डन एक लठ मारा मैंने एक लठ में चित कर दिया कसम से आ दे दे गरम है भाई साहब भाभी जी जनसत्ता दैनिक जागरण अमर उजाला तीनों के पत्रकार 4 दिन से बेमतलब मेरे पीछे पड़े थे भाई साहब से वार्तालाप करवाने को मैंने कहा भाई मैंने मारे बदमाश मेरा ले लो इंटरव्यू अरे भाई साहब को तो बख्श दो यार उन्हें तो काम धंधा करन दो ठीक कराना जी भाई साहब चौधरी साहब मुझे लगा आप मुझसे बात कर रहे हैं अरे ना जी भाभी जी मतलब भाई साहब की भी रजामंदी देखो जरूरी है ना अब कल को बोलने साले मैं तो दूंगा इंटरव्यू तू क्यों भगा रहा है थैंक यू चौधरी साहब चलिए पूछने लायक तो समझा आपने है जी भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप भी भाभी पानी नहीं आ रहा अब
अभी जाके खुलवाता हूँ। वो भूल से सुबह को मोटर बंद रह गई थी ना। अड़ा क्या है, चलना मोटर खोलना जाके। सृष्टि इट्स ओके 50 ओके डैफोडिल्स 50 एंड पेटूनियास 75 पेटूनियास नो दे वेरी गुड गजब बात तो सही बताई थी चाचा जी ने। फूल तो हर प्रकार का अवेलेबल है इस दुकान में। अरे तभी तो देहरादून से यहाँ तक का सफर तय कराया भाई चाचा जी ने। अरे चाचा चालीसा पूरा हो गया हो तो फूल भी ले ले। हैं? पूछो कौन कौन से हैं इनकी दुकान पे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। जी किस चीज के लिए फूल चाहिए आपको? अजी बात ऐसी है कि हमारा एक करीबी रिश्तेदार कई सालों से बीमार चल रहा था। अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोला जो भी वक्त बचा है साथ में बिता लो, न जाने कब चल बसे। तो जी कुछ 30-30 तो गेंदे के फूल दे दो और 30-30 सफेद गुलाब दे दो। 30 से कुछ पालतू चमेली दे दो, महक तो उसी से आएगी ना। हाँ जी धर्म के पक्के हैं हमारे यहाँ। अर्थी पे ये तीनों ही चढ़ाए जाते हैं और हो सके तो कलियां देते ना जो 2-3 दिन में खिल के फूल बन जाए, क्योंकि रिश्तेदार अभी मरा नहीं मरेगा। ले बलवीर कितने पैसे हो गए जी? 815 है जी। 815 अच्छा ये लीजिए जी। 815 अर्थी के फूलों का सगुन दिया जाता है, कीमत नहीं। अच्छा जी व्हाट अ वियर्ड मैन। या चले कहाँ? तरुण रोज हम लेट हो रहे होते हैं तो तुम इतनी धीरे गाड़ी चलाते हो, आज जल्दी जा रहे हो तो इतनी तेज क्यों चला रहे हो तुम? ताकि तुम जान जाओ कि मैं गाड़ी तेज चला सकता हूँ और आगे से मुझे गाड़ी तेज चलाने को ना कहो। जिंदा हूं और तुम्हें गाड़ी तेज चलानी आती है। 25 मिनट है स्कूल की छुट्टी होने में। अब तरुण सिंह टाइम का सही उपयोग करके ड्रामेटिक्स की टीचर को पर्सनली थैंक्स बोलने जाएंगे जो वो प्ले वाले दिन करना भूल गए थे। पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सृष्टि पर्सनली। पापा आज आकाश मुझे क्लास में बोल रहा था कि आप मम्मी से डरते हो। आप मम्मी से डरते हो? नहीं बेटा पापा किसी से नहीं डरते। तो आज मम्मी के लिए ना आइसक्रीम, आप मम्मी की मैंगो बार खाओ, मैं चोको बार खाती हूँ। ठीक है भैया एक मैंगो बार। सुशी आर यू ओके? भाई साहब गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, चाहो तो आप बैठ के देख लीजिए। भाई साहब बड़ी मुश्किल से तो इतनी संभाली है मैंने। बाहर निकल तू है कौन? मैं तो वहां खड़ा था। गाड़ी बेटा कर क्यों मारी? अरे अरे भाई साहब गाड़ी निकल। अरे भाई साहब बाहर निकल, ब्रेक फेल हो गए थे। भाई साहब जितना भी खर्चा होगा जा रहा हूं। तू जाकर जस्ट काम डाउन, लेट्स गो। तरुण ब्रेक फेल हो गया, माफ करिए भाई साहब, चलो सॉरी। लेट्स गो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मीनल? चलो बेटा चलो। I'm really sorry, Shrishti. Papa, Papa, देखो वो क्या? Papa, ये.
चाचा यू निशान क्यों बना रहे हो? बेटा ये हमारे में रीत है, जब किसी का समय इस दुनिया में पूरा हो जाता है ना, तो उसके दरवाजे पे ये निशान बना देते हैं। फिर हम उसे भगवान के पास भेज देते हैं। पापा बताओ ना। बेटा हमारे रिलीजन में ना इस साइन को ऑस्पिशियस मानते हैं, समझे? पर ये हमारे दरवाजे पर बनाया किसने? I have no idea. पापा आज मैं आपको हराऊंगी। बेटा आज नहीं। पापा प्लीज। तो बोला ना अभी मूड नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा आज मम्मा आपके साथ गेम खेलेगी। ये। और आपको हरा देगी। मैं आपको हराऊंगी। चलो देखते हैं। सेट करो। अरे वाह, 6। क्या हुआ? कुछ नहीं। पत्नी हूं तुम्हारी। आज दोपहर से ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो। इट्स वेरी अनलाइक यू। और जो जो बहाने बना रहे हो ना अपने इस बिहेवियर को कवर अप करने के लिए, ये मत समझना उनसे कन्विंस हो गई हूं मैं। बोलो ना तरुण, किस चीज का स्ट्रेस है? कुछ नहीं है सृष्टि। तरुण, are you gonna tell me? I was just trying to. What? तरुण, अगर ये सारा स्ट्रेस उन क्रिमिनल्स की किलिंग की वजह से है ना, तो भूल जाओ। That incident is over. एक बुरा सपना था जिसका बहादुरी से सामना किया तुमने। Everyone, including me, is proud of you. And even you should be proud of yourself. समझे? क्या? समझे कि नहीं, मिस्टर तरुण सिंह? Then give me a smile. A real one. I said a real one. Otherwise, I'm going to bite you. Shall I? इश्क और हवस में बस नजर भर का फर्क है। करने वाले के लिए इश्क और देखने वाले के लिए हवस, तो हमें क्यों दिखा रहा है? तरुण, क्या है? मीनल कहाँ है? सृष्टि कमरे में है। सृष्टि, जस्ट लॉक योरसेल्फ इन हियर विद मीनल, और जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। सृष्टि स्टे हियर। जमाना वाकई बदल गया।
सिर पे मारने की क्या जरूरत थी? भीतर ही तो आ रहा था बेचारा। मुझे लगा चोट खा के सर गरम हो जाएगा तो पुरानी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। बहुत सालों से भुला हुआ था ना आपको। हाँ भाई, ये नाराजगी तो है तुझसे। एक तो इतने सालों तक तेने मैं याद नहीं करा, और जब हम तेरे सामने आए तो तेने ना पहचानने का नाटक कर दिया। ये मिनल हमारी पोती, इसके स्कूल गए, तेरे दरवाजे पे तेरी पुरानी जैकेट छोड़ दी, यहां तक कि तेरी फूलों वाली दुकान पे भी गए, पर तेने हमारे हर प्यार भरे नोते को बड़ी बेगैरती से ठुकरा दिया। हमने बड़ी चाही कि तू अकेले में आके एक बार मिल ले, पर तू नहीं माना। मजबूरी में हमें यहां आने पड़ा। अरे बहू, तू परेशान मत हो, हम किसी राठी बाठी के गैंग के नहीं है, हम हैं तेरा ससुराल। मैं तेरा ससुर और राजगीर का चाचा। और ये तो परिवार वालों से मिली नहीं आज तक है। चल मैं मिलवाता हूं। ये मिल, अपने पति से मिल, इसका असली नाम है राजवीर सिंह, दुनिया के लिए नाम है तरुण सिंह, पुश्तैनी काम डकैती, बाप का नाम है मलहान सिंह, कुख्यात डकैत। फिर भी डकैत नहीं, घोड़े पे आते हो नहीं, असली डकैत। चाचा, तेरा हिसाब मुझसे ना जान दे। कितने सालों बाद भतीजे ने चाचा बोला है। बनता है ठीक है, जा बहू जा, पोती को लेके ऊपर चली जा, जा जा, बाप की हत्या का असर बच्ची पे ठीक नहीं पड़ेगा। सृष्टि मीनल को लेके जाओ। सृष्टि गो। नहीं नहीं नहीं, रुक 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 जा। अब क्या? देख भाई, तू मरेगा तो बहू विधवा बच्ची है ना, अभी सुबह में मैं तो इनकी जिम्मेदारी ले नहीं सकता। जमाना है खराब, बहू जवान बच्ची छोटी, तेरे जाने के बाद घर की इज्जत इधर उधर खराब होती फिरे, इससे तो अच्छा है तुम सब साथ में चले जाओ। ये तो गलत कर रहा है चाचा। मैं सालों पहले भी ठीक करना चाह रहा था और आज भी ठीक करने जा रहा हूं, गलत हमेशा से तू करता रहा है। फिर नारियल फोड़ू के मार। ठीक बोला तू चाचा, गलती तो तब मुझसे ही हुई थी जो तुझे मरा समझ के छोड़ दिया। तेरा अंतिम संस्कार 10 साल पहले अपने हाथों से कर देना चाहिए था।
सृष्टि, मैंने हमेशा चाहा कि मेरी जिंदगी का यह हिस्सा कभी तुम्हारे सामने ना आए, पर जिंदगी कभी मेरे हिसाब से चली ही नहीं। Really sorry for everything, Shrishti. Shrishti, it's all over now. How can it's all over? ये सारी सियासत पंडितों की है भाई साहब। पहले कहा करते थे, जो बनारस में मरा वो स्वर्ग पहुंचा। आजकल लगता है बदमाशों से कह दिया गया है कि जो तरुण सिंह के हाथ मरे तो सीधा स्वर्ग। पहले दो थे, अब के चार। आपके हाथों से काउंट बढ़ता ही जा रहा भाई साहब, वो भी तब जब आप अपनी जिंदगी हथियार के साथ नहीं जीते। इनके हथियारों को देख के तो लगता है पूरी जंग की तैयारी से आए थे। कहां सोचा होगा इन्होंने कि निहत्थे के हाथों मारे जाएंगे। क्यों जी भाभी जी, अब आत्मरक्षा में भाई साहब को उनकी छीन के उन्हीं पर चलानी पड़ी होगी, है ना जी? और मौका आने पे सुपरमैन तो बन ही जाते हैं सिंह साहब, है जी? खैर, भाई तरुण सिंह जी के यहां चार बदमाशों की डेड बॉडी पड़ी है। सिंह के यहां ही दोबारा आओ और लेके जाओ। तो जी बस थाने से लोग आते ही होंगे बॉडी उठाने और घटनास्थल का ब्यौरा लेने। तो जो कुछ भी हुआ हो बयान में लिखवा देना, ठीक है जी? तो मैं चलता हूं। आज सिकंजी पीने का दिल सा नहीं कर रहा कुछ। थैंक यू सर। स्टॉप इट तरुण। Or should I call you Rajveer? I don't even know who you are. But mere saath kyun? Tumhe to pata hai na mujhe jhoot se kitni nafrat hai. Maine Vikram ko isliye chhoda kyunki usne mujhe pyar mein dhoka diya. Aur tumne to meri puri ki puri zindagi jhoot bana kar rakh di. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शशि। कुछ नहीं किया? Right from your name, your family, your background, your entire existence, you lied to me about. और सब कुछ सामने आ गया उसके बावजूद तुम मुझसे कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया। हाँ सृष्टि, मैं अब भी कह रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि तुमने जो देखा वो सच तो था, मगर आधा था मैं राजवीर। हाँ, इसी नाम के साथ पैदा हुआ था। एक ऐसे परिवार में जहां हिंसा ही फैमिली बिजनेस था। इलाके के सबसे नामी सरगना मलहन सिंह मेरे पिताजी थे। लूट, राहजनी,
किडनैप, मर्डर, तरीका चाहे जो भी हो, मकसद बस एक था, वर्चस्व। जिस दिन से मेरा जन्म हुआ उसी दिन से पिताजी ने मेरी तकदीर तय कर दी थी। राज करेगा मेरा वीर, राज वीर क्यों है? देख मलान सिंह, मैं तो इतना जानू, जान है तो जान है। देख सत्तो, जान की आप कोई फिक्र नहीं, गोली चाहे माथे पे लगे या छाती पे, मलहन सिंह का नाम तो रहेगा। क्योंकि अब मेरा राजवीर आ गया ना। चाचा सगे नहीं थे, पिताजी जब पहली बार जेल गए तो वहीं उन दोनों से मुलाकात हुई। 7 महीनों की ढूंढ और 14 गांव में इत्तला करने पे आज तो यह हाथ आया है, और अब नॉट रहा है। केवे लुगाई का इलाज कराता फिर रहा था, आपसे छिप ना रहा था। ना सतवीर, करा तो यूं लुगाई का इलाज ही रहा था, पर अस्पताल में नहीं, मेरठ कचहरी में। ओंकार वकील, जज बंसल और वो दरोगा लाल सिंह, भाई 3-3 डॉक्टर लगा रखे थे इनने लुगाई की सेवा में। और लुगाई की सेवा कराते कराते खुद भी लुगाई बन बैठा, और कर दी हमारी मुखबरी ने पुलिस से। अम्मा, ये मुखबरी क्या होती है? आगे से ना होगा, अब के माफ कर दो मलहम सिंह। ना, तेरी और तेरी मुखबिर जात की इस बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा, ताकि इलाके में किसी और की लुगाई इतनी आसानी से बीमार ना पड़े। पर माँ के ख्वाब मेरे बारे में कुछ और थे। माँ चाहती थी मैं पढ़ूं लिखूं और इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, जो पिताजी के काम के बिल्कुल विपरीत हो। लेकिन अम्मा, तू भी इतना मत पढ़, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। छुपन छुपाई खेल रहे थे, इतनी मुश्किल से तो कुएं के पीछे जाके छुपा था मैं, कोई ना ढूंढ पाता, पर इन्हें मुखबिरी कर दी। इसकी तो लुगाई भी ना है, फिर कम बीमार पड़ गया। इन मुखबिरों के अफसोस तो करके रहूंगा। पिताजी का नाम बेशक बाहर वालों के लिए एक दहशत का कारण रहा हो, लेकिन घर पे उनकी मौजूदगी माँ और मेरे लिए एक सतरंगी त्योहार के जैसी थी। मलान सिंह की जीत से सारा जग हारा, और मलान सिंह अपनी मैडम से हारा। सत्तू से कह के बड़े वाले स्कूल में तेरा दाखला करा दिया है, और वहां जाके किसी को बाप का नाम और काम मत बताइयो, वरना लोग कहेंगे मलहान सिंह लौंडे को स्कूल में पढ़ा रहा है, और बाजार में हमारी दहशत कम हो जाएगी। अपना और मेरा एक नया नाम ढूंढ लीजिए, जो भी तुझे पसंद हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि तेरा बाप किसान है, क्योंकि बेटा हमारे देश में डकैत और किसान दोनों इस सरकार को टैक्स नहीं देते। वो मैडम, अब तो खाना खिला दो, 4 दिन हो गए महेंद्र के हाथ का खाते खाते। और इस तरह मैं राजवीर से तरुण और पिताजी मलहान सिंह से शिवराज सिंह बने। माँ शायद मेरे स्कूल पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। जिस हिंसा के खिलाफत में उसने मुझे स्कूल भेजा, उसी हिंसा का शिकार वो खुद बन गई। माँ के जाते ही मेरा उस हिंसा भरे माहौल के साथ संबंध एक कड़वाहट के साथ हमेशा के लिए खत्म सा हो गया। साल में एक आध बार या तो पिताजी मुझसे मिलने चले आते, या फिर मैं वहां चला जाता। इधर एजुकेशन मुझे अपनी विरासत में मिली क्रिमिनल सोच से दूर ले जा रही थी, उधर पिताजी का क्राइम ग्राफ पढ़ता ही जा रहा था। स्कूल खत्म हुआ, मैं कॉलेज पहुंचा, वहां तुमसे मिला। अब तक पिताजी के सर पर लाखों का इनाम आ चुका था, बाप बेटे होते हुए भी हम दोनों की दुनिया अलग हो चुकी थी। पिताजी से अलग होने का दुख तो था, लेकिन अब मेरा कॉलेज,
मेरा करियर, मेरे दोस्त, यही मेरी जिंदगी थी और मैंने इसके साथ समझौता कर लिया था। अब तक तुमसे तुम्हारे हिसाब से दोस्ती और मेरे हिसाब से प्यार हो चुका था। खानदान का पहला ग्रेजुएट भी बन गया था मैं, पर फिर उसी दिन बेटा तेरी माँ का सपना था तू पढ़े लिख, मैंने तेरी माँ के सपने और तेरी चाहत को कभी नहीं रोका। आज देखो बिना सहारे मैं उठ भी नहीं सकता, क्या होगा इस गिरोह का, तेरे सत्तू चाचा समेत 15 लोग और उनका परिवार। बेटा अब तू संभाल संभाल। पिताजी पहले आप, अब मैं और कल को मेरा बेटा, आखिर कब तक हमारी पीढ़ियों की तकदीरें बंदूकें तय करेंगी? परिवारों को पालने का डकैती इकलौता तरीका नहीं है, कम से कम मेरा तो नहीं। तो ठीक है मत लीजिए, तेरे को गिरोह नहीं संभालना है कोई बात नहीं, पर हमें जिंदगी जीने के तरीके मत सिखा। तुझे पढ़ लिख कर बाबू बनना है पढ़ जा, पर हमारी पहचान को बदलने की कोशिश मत कर। किस पहचान पे इतरा रहे हो चाचा? लाखों के नामी डकैत है, ये है हमारी पहचान, जितनी जल्दी हो सके बदल दो इसे, वरना आने वाली पीढ़ियों में भारी पड़ेगी ये पहचान। लेवनाम सिंह बढ़ गया तेरा बेटा बाबू। कर दिया बीवी का सपना पूरा, क्या करें, डकैती छोड़ के तलाली, कुछ तो बोल मलाम सिंह। अब नहीं बोल पाओगे तुम, जवान बेटे की जवान के सामने बाप के नियम कमजोर पड़ ही जाते हैं। चल चले। संभाल ले बेटा, आपके कहने पे सालों दे दिए गिरोह बनाने, और अब बेटा के कहता है कि आज तक जो किया सब गलत, जिंदगी जीने के तरीके बदल दो, और बाप ने कुछ कहने की जरूरत ही ना समझी। अरे वो क्यों बोलेगा, बाप तो गिरोह चलाने लायक रहा नहीं और बेटा चाहता नहीं, तो इनकी बला से जो मर्जी हो गिरोह का। ठीक है, वो नहीं चाहते गिरोह चलाना तो कोई बात नहीं है, हम चलाएंगे गिरोह को। कैसे चलाएगा, जो लड़का अपनी बातों से मलहान सिंह का दिमाग पलट सकता है, वो परिवार की बातें कर करके गिरोह के लोगों के इरादे कमजोर भी तो कर सकता है। पक जाएंगे सारे, किस किस को संभालता फिरेगा। रेंटल चल जा अपनी अम्मा के पास और नाक साफ करवा, चल जा। क्या कह रहा था तू, ये लौंडा सबका दिमाग पलट देगा। और फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो करना मेरी मजबूरी थी।
निकला, एक साल तक गुमनाम रहा, फिर ये नर्सरी का काम चालू किया। बीच बीच में अखबारों से पता चलता रहा कि पिताजी का गिरोह टूटता गया और जो बचे उनके एनकाउंटर की खबरें भी आती रहीं। मेरी जिंदगी का ये हिस्सा खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि दोबारा तुमसे मुलाकात हो गई। एक शांत खुशहाल जीवन जिसका सपना मैंने हमेशा से देखा वो सच होता नजर आया, और बस इसी सपने को जीने की चाह में तुमसे अपना सच छुपा बैठा। एक ऐसा सच जिसका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया था और जिसका असर मैं अपने आने वाली जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अब चाहे इसे तुम मेरा गुनाह समझो, लालच या मजबूरी। रुक तारू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ या तुमने जो किया, टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू कम टू टर्म्स विद इट आई नीड टाइम, क्योंकि वजह चाहे जो भी रही हो मगर मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। जब जिंदगी में अंधेरा सा छा जाए ना भाई साहब, तो घर में लाइट जला लेनी चाहिए। आज फिर से सिकंजी पीने की चाह थी तो चला आया, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। पत्नी ने सोचा था अब मिलाए पति जो करेगा अर्थ को ग्रीन, पर उसे लाल पसंद था, वो निकला एक्शन हीरो, वो भी क्रिमिनल पास्ट वाला, डाकू मलहान सिंह का बेटा। तो सिकंजी बनाने वाली इंग्लिश मीडियम वाइफ ने किया नटवर लाल सैया को बाय बाय, और हम कहां जाने। हम पुलिस वालों को तो तफ्तीश की बहुत पुरानी आदत है और मजबूरी भी। कुछ ही टाइम में तुम्हारी कुंडली और मरे हुए चाचा से रिश्तेदारी पता चल गई, तो चलें। भाई साहब किचन में बोला था ना सिकंजी पीने का दिल है। जानना तो आपको था नहीं पड़ता, पर एक पैंच अटक गया। विधायक साहब की कुर्सी बड़े सालों की मेहनत से तो मिली है, अब वो उसे खोना नहीं चाहते। जो उसमें आके मीडिया के सामने आपको बहादुरी का अवार्ड दिलवाने की सिफारिश कर बैठे और वो अर्जी हो गई मंजूर, राठी बाटी वाले मामले में। पर जब चाचा भतीजे का धर्म युद्ध सामने आया तो मैं सीधा विधायक जी पर पहुंचा। पहले तो हिल से गए, फिर बड़ा सोच के बोले कि आजकल मीडिया का जमाना है, अगर किसी को सूंघ भी लगी कि डाकू मलहान सिंह के बेटे की मैंने बहादुरी अवार्ड के लिए सिफारिश की है तो कुर्सी जाएगी छीन और राजनीति से वनवास। चीनी कमरा गई तो बोले मामला दबा जा, वैसे भी तो बदमाश ही मारे हैं, तो मुझे मानना पड़ा। नेताओं की आगाज तो साफ करनी पड़ती है पुलिस वालों को, तो इस तरह
आप अपने इतिहास और अपने आज दोनों से साफ बच गए। तो अब मैं निकलता हूं भाई साहब। एक बात कंफर्म करनी थी आपसे। सिकंजी तो मैं अच्छी बना लेता हूं ना जी। अच्छा जी, You said it's over, didn't you? See, it's not. अब वो मिनर को लेकर गए। उस बच्ची की क्या गलती है तरुण? Why does she have to suffer? When is your past gonna stop haunting us? Srishti, just control yourself. कौन थे? चलाने का इंच भर भी दुख नहीं होने का, पर तेरी मौत मेरे हाथों लिखवाई कौन से ने, ये बात ना जानने का अफसोस हमेशा रहेगा। तो बता दे, दोनों में से कौन से ने भेजा है? बेटी कहाँ है मेरी? वाह रे कोतवाल, आया मुझे मारने और नाल को माथे पे पाक के बेटी की तलाश चालू कर दी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। अरे कौन सी बेटी, किसकी बेटी? तू है कौन और क्या बेटी बेटी गा रहा है? एक बाप हूं जिसकी बेटी को उठाया गया है, उसे ढूंढने में जितने मारने पड़े कम होंगे। अगर नहीं चाहता गिनती तुझसे चालू हो तो बता दे। धनजू, लाला और मैं असफाक तीनों मिलके दलाली किया करते थे लड़कियों की। कमाई अच्छी थी और धंधा बराबर। फिर लाला को एक डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे उठाओ, मैं उनके बॉडी पार्ट्स विदेशियों को बिकवाऊं। इसमें कमाई दलाली से कई गुना ज्यादा थी। मुनाफा लाला और धनजू दोनों को समझ में आया, पर मुझे नहीं। मैं दलाल से दरिंदा बनने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर नहीं चाहता था कि ये राज बाहर निकले।
पहले दोनों ने समझाया फिर धमकाया और फिर जान से मारने की कोशिश की। पर मैंने हर बार उनके भेजे आदमी मार दिए। पर मेरा और मेरी बेटी का इस सबसे क्या वास्ता? इस शहर में कोई पुरानी रंजिश थी पर अब नहीं। अब नहीं कोई फिरौती की मांग? नहीं। तो मामला सीधा है, एक इमोशनल बाप को हथियार बना के मुझसे अपनी रंजिश मिटाना चाहते हैं। अशफाक, जिसने जो भी सोचा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। अब ये बात ना समझ में आ रही तेरी? तो ले उठा बंदूक, मुझे गोली मार और बेटी ढूंढ ले। देखो, मुझे नहीं पता है तेरे पास कितना वक्त है और वक्त है भी कि नहीं, पर जितना भी है उसे मेरे पीछे बर्बाद मत कर। और कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखते हैं जी। जेल चुंगी वाले दीवान साहब का फोन था, नाराज हो रहा था, बोला तेरा भेजा हुआ माल इंग्लिश सर्विस नहीं देता, बोला किराया वोल्वो का और सवारी रूट भेज की, बोला अगली बार माल लाला गांव से उठाऊंगा। तो जी फिर मैंने पुराना ग्राहक जान के समझा दिया और मैंने कहा क्यों जेब पे जोर डाल रहे हो दीवान साहब, लाला तो रिटेलर है, थोक के व्यापारी तो हम है। अरे माल तो हमारा ही दिया हुआ बेचता है वो। तंजू, मेरी बेटी, बेटी नहीं मम्मी यहां मिलती है, यहां कहे तो गिरवा दू। किडनैप हुआ है इसका? ऐसा कर, 15 साल बाद आ, अगर कटी नहीं तो यही मिलेगी। किडनैप का सारा माल जवान होके यहीं पे आता है। तंजू, मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी। तो ऐसा कर, इसकी माँ को भेज दे अभी, बड़ी ठंड में ठंडी बियर और गड़गंगा का किनारा। लाला जी, गलत देश में पैदा हो गए तुम। पासपोर्ट अंदर, आपके यू गलती भी सुधार देंगे। लाला जी, मजा तो बड़ा आएगा विदेश में, पर बिजनेस बदलना पड़ेगा। क्यों भाई? विदेशों में लोग बड़े फ्रैंक होते हैं, वहां तो नाम बाद में पूछते हैं, काम पहले कर लेते हैं, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटे, बदकिस्मत और जरूरतमंद हर देश में मिलते हैं। हुल्ला ला। हुल्ला ला।
अबे ठंडी में ना झेली क्या, विदेश में कैसे करोगे? अरे उठो तो। मेरे सारे दुश्मन खत्म करी दिए। उम्मीद पे खरे उतरे तू। कहानी सुनाने में थोड़ी सी बेईमानी कर गया था, उसके लिए बाइज्जत आपसे माफी चाहता हूँ। दरअसल कहानी वही थी, बस किरदारों का फेर बदल था। लालच उन दोनों को नहीं, मुझे आया था। और डॉक्टर लाला को नहीं, मुझे मिला था। जान से मारने की नाकामयाब कोशिशें भी उन्होंने नहीं, मैंने की थी। बहुत गरीबी देखी थी जिंदगी भर। इतना बड़ा मुनाफा तीन लोगों में नहीं बांट सकता था। तो थैंक यू जी। और रही बात बेटी की, तो जी वो सेफ है। और इस बार नियत साफ है, कोई बेमानी। पता बता देता हूँ, आके ले जाओ। अरे थैंक यू बोलने के लिए फोन करने की क्या जरूरत थी भाई साहब, आपने इतना किया हमारे लिए, ये तो फर्ज था हमारा। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? वन मिनट। वह कश्यप, कौन सा सामान छोड़ा है भाई साहब? वो पीले जूते वाली जिसने लाल टोपी पहनी थी, जो आपने बोली थी। अबे जात के बेरे, पीली टोप और लाल जूते वाली बोली थी, वो कहाँ है? वो तो सेल में बिक गई। ना, तू इस देश में बिजनेस करने लायक ना है, तू विदेश जा। तरुण भाई साहब, मैंने बहुत चाही वफा करने की, पर किस्मत ने मेरे साथ बेवफाई कर दी। पर ऊपर वाले की विलक्ति के आगे किसकी चले, बेटी तो जी गई, गई तो बिन गई। अब तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब तक तो बेचारी की बॉडी अलग अलग पार्ट में सेट। आई एम सॉरी। Thank you.
भाई साहब नर्सरी से एब्सेंट, घर पर ताला, कहाँ निकल लिया आप? गुलाब, पर जो नाम और हुलिया आप बता रहे हो ऐसा तो किसी दलाल का रिकॉर्ड नहीं है जी अपनी फाइलों में। पर बच्ची तो किडनैप हुई है, वरना गुलाब सिंह भाई साहब खुद फ़ोन करके क्यों बोलते? तो लो जी रिपोर्ट लिख लेते हैं। कोई तस्वीर है आपके पास बच्चे की? जैन साहब, इस समय एक थानेदार की रिपोर्ट की नहीं, एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद की जरूरत है। वापस जा रहा हूं।
कहाँ भाई साहब? अरे निशान जी निकल लिया, मैदान साफ है जी। अरे खुद शहर के बाहर तक छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ बात की गहराई को समझ गया जी। हाँ तो ठीक है जी। सवाल तो मैं सारी जिंदगी खुद से पूछता रहा कि मेरे साथी क्यों राजवीर भैया और अशफाक नहीं रहटल, नाक बहता वो बच्चा जो आपका चचेरा भाई था, डकैत सतबीर की औलाद जिसके बाप को मारकर और चाचा को अधमरा कर कर आप चले गए। रुतबे के साथ जिंदगी जीने वाले डकैत के लड़के को आपने टंडियों के कमाई पे जीने वाले दलाल बनने पे मजबूर कर दिया। कत्ल की उस रात के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, तुम्हें ढूंढना। खबर को टीवी पे देखकर चाचा अपना बदला लेने निकल पड़ा। मैंने समझाया पर वो ना माना। शायद दलाली की जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर दोबारा एक डकैत का रुतबा पाने का उसके पास वो एक मौका था, लेकिन मैं, मुझे बदला लेना था पर आपकी जान लेकर नहीं। बाप सर पे ना हो तो बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ता है, इस बात का एहसास मैं आपकी बेटी को कराना चाहता था। वो एक एक आंसू की कीमत जो मैंने बहाया है वो आपके और आपकी बेटी के आंसू से पूरी करना चाहता था। जाने अनजाने मेरे दुश्मनों को मारकर आपने मेरी जिंदगी काफी सरल बना दी थी और मेरा बदला आपकी बेटी को उठा के पूरा हो गया था। समझाया और समझवाया कि आप वापस लौट जाओ, मैंने सोचा था कि अब तक तो अंग्रेज बन गए होंगे, पर ये साला डकैत का खून रह रह जोर मारता है।
तब तेरे बाप की अकल और अब तेरा पागलपन इस चीज को समझ ही नहीं पाया। तरुण भाई साहब, मैं कौन होता हूं करने वाला? जो मालिक ने करवाया वो हमने कर दिया। मालिक शिकंजी बना के लाया हूं, पियोगे? का फोन उठा लो। साले रहटल के दलाल, तूने हर वो हरकत की जिससे मैं जिंदा तो रहूं लेकिन जिंदगी चले रहटल के इशारों पर। यही था ना तेरा मालिक? अब जा और इससे बेल। किस्मत ने जो मेरी जिंदगी का रास्ता तय किया था, मैं आज उसे खत्म करके आया हूं। अब इस नई शुरुआत में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं। आज ना इस इशू को सेटल करना है मुझे। दैट ब्लडी राजेंद्र चौधरी फिर से